हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के हमारे इस वीडियो में हम बनाएंगे आलू पराठा। इसके लिए पहले हम आटा सेट करेंगे। पहले हम गेहूं का आटा, फिर उसमें थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ा सा तेल, और इस मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे। और आटे में पानी डालते हुए आटे को अच्छे से गूंध लेंगे और इस तरह आटे को जब गूंध लेंगे तो थोड़ा सा पानी डाल के हम साइड में रख देंगे आटा सेट होने के लिए। अब स्टफिंग के लिए हमें चाहिए होगा उबले हुए आलू, धनिया बारीक कटी हुई, देन मिर्ची, अदरक, नमक और नींबू का रस। पहले हम इसका पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरह। अब उबले हुए आलू को हम स्मैश करेंगे। उसके लिए हम एक बाउल लेंगे और उसमें आलू डालेंगे और उसमें उसको मैश करेंगे। अब हम आलू को अच्छी तरह स्मैश कर लेंगे। कुछ इस तरह ध्यान रखें आलू अच्छे से स्मैश हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे हरा पेस्ट जो हमने लहसुन मिर्ची अदरक से बनाया था। फिर उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और ये नींबू का रस, और बारीक कटी हुई धनिया। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब जो आटा हमने साइड में रखा था सेट होने के लिए उसे हम अच्छे से गूंध लेंगे। थोड़ा सा हम हाथ में तेल लेंगे फिर आटे को इस तरह गूंदेंगे तो हमारा आटा भी रेडी है। और स्टफिंग भी हमें पराठों को बनाने के लिए तेल चाहिए होगा और थोड़ा सा सूखा आटा। थोड़ा सा हाथों में तेल लगा ले और लोई ले ले। अब हमें स्टफिंग करनी होगी तो हम इसे अच्छे से गोल कर लेंगे कटोरी की तरह इस तरह। अब इसमें हम आलू की स्टफिंग डालेंगे। और इसको बंद करते हुए हम गोल घुमाएंगे। अगर हमारा आटा गीला होगा तो हमें ये बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसे बेलेंगे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के।
अब हम इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। इस तरह अब हम इसे सेक लेंगे। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी था आलू पराठा बनाना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।